हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर फॉर लूप को थोड़ा समझते हैं कि फॉर लूप हम कैसे यूज करते हैं और क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ठीक है, और यहाँ पे आई एक वेरिएबल बनाते हैं, आई इन रेंज करते हैं, आई इन रेंज। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 10 दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 दे दिया, और फिर यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। देखिएगा प्रिंट का पी जो है स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। तो यहाँ आई को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो अभी इसको चलाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने चलाया इसे तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेके 9 तक नंबर्स प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि 10 लिखा हुआ है इस वजह से, ठीक है। अब अगर मैं 10,20 कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10,20, तो इसका मतलब होता है कि 10 से स्टार्ट करिए और 20-1 तक चलिए। क्यों क्यों 20-1 क्यों 20 नहीं, इसके पीछे का रीजन यह है कि यहां लगा हुआ है रेंज, और रेंज लास्ट -1 कर देता है। तो लास्ट यानी कि 20-1 क्या होगा, 20-1 हो जाएगा 19। तो अगर आप इसको चलाते हैं तो आप देखेंगे कि 19 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 10 से लेकर। तो देखिए 10 से स्टार्ट हुआ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये प्रिंट भी हुआ है, ठीक है। अब एक और कहानी तब हो जाती है जब इसमें स्टेप दे दिया जाता है। ये स्टेप है तो 3-3 का स्टेप, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 11, 12, 13 प्रिंट होगा, फिर 13 के बाद 14, 15 नहीं प्रिंट होगा, 16 प्रिंट होगा, फिर 16 के बाद 17, 18 नहीं प्रिंट होगा, 19 प्रिंट होगा। इस तरीके से चलेगा, 19 के बाद तो प्रिंट ही नहीं हो सकता है, तो 19 तक ये प्रिंट होगा और 3-3 का जो है अंतर लेके चलेगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10, 13, 16 और 19 ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्या होगा अगर हम यहाँ पे -2 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेप में -2 किया है, ऐसी स्थिति में क्या होगा इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये -2 स्टेप तो चल ही नहीं सकता। जैसे अगर 3-3 रहता तो 3-2 कुछ भी रहता तो ये अंतर करके दे देता, लेकिन अगर -2 कर दिया तो कुछ नहीं आएगा। अगर हम यहाँ -5 कर दे तब क्या होगा, ये भी चेक कर लिया जाए एक बार, शायद -5 करने पर आ जाए। तो यहाँ -5 करने पे भी सेम रिजल्ट रहेगा, कोई भी आउटपुट यहाँ पर हमें नहीं दिखने वाला है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।